भारत विकास परिषद संकल्प शाखा राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के चौथे दिन प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा जी, जिला महिला संयोजिका श्रीमती मधु मित्तल जी पधारे और बच्चों को संबोधित किया। बच्चों को मन लगाकर पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को साफ सुथरा रहने के लिए और अपने आसपास भी साफ सुथरा रहने का महत्व समझाया। बच्चों ने काफी अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन जनगण मन से हुआ। ये आयोजन अन्नदान महादान एवं संस्कार शाला काला पत्थर रोड नजदीक ग्रीन पार्क लेन के मेन गेट ज्ञान खंड 4 इंद्रपुरम गाजियाबाद में हुआ। आज के प्रोग्राम में स्वर्थी सलेख चंद त्यागी जी ने पार्षद श्रीमती निर्मला त्यागी जी, श्री बी एम शर्मा जय, श्री अनिल भारद्वाज जी, श्री नारायण वत्स जी, श्री रविंद्र मिश्रा जी मौजूद थे। हमने उन बेटियों को समर्पित किया है जो बहुत ही कमजोर वर्ग की, बहुत उपेक्षित वर्ग की जो बच्चियां हैं, उनके लिए संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी शाखाएं हैं, हमने सबसे अनुरोध किया है कि आप दो दो ऐसे वर्ग की बेटियों को गोद लें, उनको शिक्षित करें, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इस दिशा में 17 तारीख से हमारा प्रयास बराबर चल रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में 17 तारीख को ऐसे सभी कॉलोनियों में, झुग्गी झोंपड़ियों में जा करके, ऐसे विद्यालयों में जा करके बच्चों के लड़कियों के हीमोग्लोबिन को टेस्ट कराया गया है और जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी आई है उनको एनीमिया के लिए, उनको हमने बताया भी है कि एनीमिया से क्या क्या बीमारियां आती हैं और उन बच्चियों को लोहे की कढ़ाई और उसमें गुड़ चना रखकर भी हमने वितरित किया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत में ही हम पहले भी लोहे की कढ़ाई गुड़ चना बांट चुके हैं, लेकिन 18 तारीख को जिस दिन ये कार्य हमें करना था, 350 लोहे की कढ़ाई और गुड़ चना हमने वितरित किया है। और उन बच्चों का, लड़कियों के लिए, केवल उस वर्ग की लड़कियां हैं, वो किसी भी जाति से हो, इस चीज का मतलब नहीं है, केवल बेटी होनी चाहिए, उन बेटियों के लिए हम बराबर ये कार्य कर रहे हैं। और 24 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन, उसमें जितने भी हमारे सप्ताह के बेटियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो सब उसमें दिखाए जाएंगे। बहुत हमारे जो विशिष्ट केंद्रीय राष्ट्रीय दायित्वधारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो उसमें उपस्थित होंगे और पूर्णतः उन बेटियों के लिए जो कमजोर वर्ग की बेटियां हैं, निर्धन वर्ग की बेटियां हैं, उनका ध्यान रखना, उनको गोद लेना, उनको शिक्षित करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, यह भारत विकास परिषद का उद्देश्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।